अंबाला में एक साइंस फैक्ट्री में शुक्रवार देर रात अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह इतनी भीषण थी कि अंबाला प्रशासन के अलावा एयरफोर्स स्टेशन की दमकल गाड़ियां भी बुलवानी पड़ी। करीब 4.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दूसरी ओर इस घटना में जहां फैक्ट्री के नुकसान का अंदाजा फिलहाल लगा पाना मुश्किल है, वहीं आसपास के घरों में भी दरारें आ गई। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना जैन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक फैक्ट्री में घटी। इसमें बने मेटल ट्यूब, रोटामीटर, एयर शोयर, माइक्रो XRF एनालाइजर, बर्न इन चैम्बर और बहुत सारे साइंस लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स देश के साथ साथ बाहर भी निर्यात होते हैं। शुक्रवार आधी रात के बाद करीब 2 बजे अचानक आग लग गई। शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें प्रत्यक्ष दर्शी सुरेंद्र तिवारी का कहना है कि आग को देखकर फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी गई और मालिक को मौके पर बुलाया गया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुट गई हैं, लेकिन साइंस फैक्ट्री में प्लास्टिक से बने सामान और कुछ केमिकल के कारण आग भड़क गई। इस हादसे में फैक्ट्री की 2 मंजिला बिल्डिंग में पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। साथ ही तपिश के कारण पीछे लगते कुछ एक मकानों में भी दरारें आ गई हैं, जिस कारण से वे लोग बाहर निकल कर आ गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने रिहाशी तंग गली में फैक्ट्री के दरवाजे से आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय प्रशासन की दमकल टीम की मेहनत कम पड़ती नजर आई, तो इसके बाद एयरफोर्स स्टेशन से भी गाड़ियां मंगवाई गई। आखिर 4.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 6 बजे आग पर काबू पा लिया गया। वहीं अंबाला सदर थाना के SHO विजय कुमार ने बताया कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की फैक्ट्री में आग लग जाने की वजह से इसमें खासा नुकसान हुआ है। वहीं इसके पीछे साथ लगते कुछ रिहायशी मकानों की दीवारें भी छिटक गई हैं। आग लगने के कारणों की अभी जांच की जा रही है। वहीं गृह मंत्री अनिल विज भी घटना का मुआयना करने साइंस फैक्ट्री पहुंचे हैं। हत्ते में जो रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ पे एक साइंस की फैक्ट्री है, जैन साइंटिफिक लैब, और इसमें 3:30 बजे के करीब आग लगी। 3:01 बजे के करीब लोगों को मालूम हुआ जब बाहर निकलनी शुरू हुई। 3:30 बजे से लगातार आग बुझाई जा रही है, लेकिन अभी तक पूरी आग बुझी नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबी फैक्ट्री है और लास्ट तक आग फैल चुकी है। पहले हरियाणा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ रही थी, लेकिन वो गाड़ियाँ कम पड़ गई थी। फिर एयरफोर्स फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हैं, जिससे एकदम स्थिति कंट्रोल में आने के चांस लगने लगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.